हेलो मैम, मैं 18 साल का हूँ। मेरी एक आंख छोटी और एक बड़ी है। एक दिन मैं मोबाइल में अपनी फोटो देख रहा था, तब मेरा ध्यान इस तरफ गया कि मेरी दाई आंख बाई आंख से बड़ी दिख रही है। फोटोज में ये साफ दिखता है। कि आपकी एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है, तो ये क्यों हुआ है? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन थोड़े से सीरियस कंडीशंस हो सकते हैं और आपको उसके मैं आपको ये क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ, और उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। सबसे पहला तो, अगर आपको आंखों में कहीं पर भी मार लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से आंखों के पीछे ब्लड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आंख की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। ओके, कई बार बॉक्सिंग करने वाले जो होते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं या कराटे वगैरह करते हैं, तो अगर उनको मार लगता है, तो वो जब लगा हुआ होता है, तो वो आंख छोटी लगती है, दूसरी आंख नॉर्मल होती है। तो ऐसे पेशेंट्स कहते हैं कि एक छोटी लग रही है, एक बड़ी लग रही है। ओके, एक बहुत कॉमन, एक्चुअली एक लाइव क्लिनिक पर ही वीडियो कंसल्टेशन में एक पेशेंट आई थी जो पाकिस्तान से थी, तो उनको ये प्रॉब्लम हुआ था। एंड आई 100% रिमेम्बर, उनको आंखों के पीछे एक ट्यूमर हुआ था। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हुआ था, और वो उसकी वजह से उनकी एक आंख जो है वो छोटी हो गई थी, एक आंख बड़ी हो गई थी। तो यस, ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन ये पॉसिबल है। ट्यूमर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक की वजह से टोसिस हो सकता है। टोसिस यानी कि ड्रूपी आईलिड, यानी कि एक आंख ऐसे नॉर्मल होती है, एक आंख ऐसे। आपने जीना तमान को देखा होगा, जीना तमान की आंखों को आप देखिए। अभी अभी के रिसेंट में मैं आपको कह रही हूँ, अभी के रिसेंट के उनके कुछ 5-7 ईयर्स के जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, वो आप देखिए। जीनत अमान को टोसिस है। टोसिस का मतलब क्या है कि अगर किसी को माइनर स्ट्रोक आया होता है, तो जो आईलिड होता है वो ऐसे ड्रूपी हो जाता है। एक आंख नॉर्मल होती है, एक आंख थोड़ी सी छोटी लगती है। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन। ऑफकोर्स इसका ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। प्रोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस मतलब टोसिस का उल्टा। उसमें क्या होता है कि आँख का जो आईबॉल है या आँख होती है, वो कम्प्लीटली ऐसे बाहर आ जाती है। तो ये जनरली किसी आँख का ट्यूमर अगर होता है, तो उसकी वजह से होती है। और एक बहुत कॉमन कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें ग्रेव्स डिजीज हम लोग कहते हैं, अगर थायराइड का हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आँखें एकदम बाहर निकल आती है। ओके, थायराइड पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पोस्ट किया है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। ऑलराइट, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह का कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको इसका इलाज करना है, देखिए सिंपल इलाज है बोटॉक्स। यस, बोटॉक्स की वजह से, बोटॉक्स से हम लोग दोनों आईज का जो ओपनिंग है, मतलब जो आंखें दिखती है, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर विजुअल अपियरेंस दे सकते हैं। लेकिन बोटॉक्स का एक प्रॉब्लम ये है कि वो परमानेंट इलाज नहीं है। 6 to 7 वीक्स में आपको वो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर कंडीशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकल इंटरवेंशन इज ब्लेफेरोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, जो आईलिड है, जैसे मैंने कहा जिनातमन जैसा जो कंडीशन होता है प्रोप्टोसिस, सॉरी टोसिस, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आंखों के आईलिड पे यहाँ पे थोड़े से एक दो टाके लेते हैं, ताकि जो आईलिड है वो नॉर्मल खुलता है और दोनों आंखें सेम हो जाती है। तो इस तरह के सर्जिकल कंडीशन है, इंटरवेंशन है। आपके लिए मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी, प्लीज एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाकर दिखाइए। वो आपका रेटिना चेक करेंगे, आपकी आंखें चेक करेंगे, और जो उनका ऑप्थेल्मोस्कोप है, उससे देखेंगे कि क्या आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, किसी तरह का आपको आंखों में इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं, वो चेक करेंगे। साथ ही आपका CBC ESR और आपका थायराइड का प्रोफाइल करने के लिए कहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ब्रेन का एक बार MRI कराने के लिए कहेंगे, जस्ट टू सी कि आपको किसी तरह का ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। ओके, सो जस्ट लिसन टू माई एडवाइस एंड कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। ऑलराइट।